ओके okay. तो हम लास्ट क्लास में जो क्लास लिए थे वो इंटरनेट के बारे में था, जीमेल, वेबसाइट, टैब्स कैसा इस्तेमाल करना और मेल मैसेज इंजन क्या क्या है, ओके, मेल्स कैसा सेंड करते हैं, कैसा रिसीव करते हैं, ओके, ये दीगर चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखे थे। आज जो सुना इंशाल्लाह बहुत अहम क्लास रहेगा, आज से MS ऑफिस रहेगा, ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसके अंदर फर्स्ट MS वर्ड एक है हमारे को सीखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और MS PowerPoint PPT प्रेजेंटेशन का एक रहेगा, और लास्ट में MS Excel एक रहेगा, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह MS वर्ड के बेसिक सम सीख लेंगे, MS वर्ड में क्या है, कैसा है कैसा स्टार्ट करते हैं, ओके। तो MS वर्ड का एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफन कॉल्ड वर्ड इज ए ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट यूजर्स कैन टाइप विथ इट मेड बाई द कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। The purpose of the MS Word is to allow the users to type and save documents. And जो इसका MS Word कौन create करे, Microsoft company ने इसको ये करी थी। एक इसके लिए हमारे को ये करा कि हमने इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट करना, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स जो उसने हम सेव करना कुछ टाइप करके, तो ये पर्पज पे जो उसने अपने को MS Word ये लोग दिए थे, ओके। MS Word में क्या क्या है, देखिए स्क्रीन पे एक ऊपर डेस्कटॉप टाइटल के सामने वर्ड पैड में MS वर्ड में सॉरी वर्ड पैड में हम जो देखे थे इसमें थोड़े सिमिलर बेसिक्स रहेंगे। इसके जो स्टेप्स देखिए, फर्स्ट कैसा ओपन करते हैं MS वर्ड, ओके, स्क्रीन दिख रहा मेरा, ओके। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट बटन में जब जाएंगे तो यहाँ पर जो सुना ऑल प्रोग्राम्स, इसके अंदर से आप जो सुना यानी तो नीचे MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है। आप ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ से MS वर्ड कहाँ है देख लेना, आप MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है हमारे पास, ठीक है, 2007 का सीरीज है, 2019 है, 8 है, 7 है, लेकिन सबके अंदर सिमिलर रहेंगे, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज रहेंगे, लोगों के थोड़े मॉडिफाई करे हुए थे इसका, लेकिन जो बेसिक्स रहेंगे वो सेम रहेंगे, सिमिलर रहेंगे और इसमें और उनके अंदर। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर अपने को स्क्रीन पे क्या क्या बता रहा, एक सब में ऊपर टाइटल बार एक रहेगा हमारे पास, ओके, रेड बटन है वहाँ पर भी टाइटल बार। टाइटल बार यानी जब हम डॉक्यूमेंट सेव करते तो एक चीज़ अपने याद रखना चाहिए कि जब भी आप MS वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल जो भी फाइल आप जब क्रिएट करते तो फर्स्ट जो सुना अपन डॉक्यूमेंट सेव करना चाहिए, ठीक है। जब आप काम करने से पहले डॉक्यूमेंट किसी नाम से कुछ किसी भी चीज़ से आप सेव करना चाहिए। कंट्रोल यस शॉर्टकट है इसका, यानी तो फाइल्स में जाके सेव करके किसी नाम से, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ या डॉक्यूमेंट्स में डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ, एक कुछ नाम दे रहा हूँ मैं D1 डॉक्यूमेंट 1, तो इसको जो है ना सेव कर दिया मैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ अगर दरमियान में अगर कुछ पावर प्रॉब्लम पावर होगा या नहीं कुछ बंद होगा सिस्टम तो डॉक्यूमेंट क्या रहता सेव रहता। हम सेव नहीं करें बल्कि वर्क कर लिए, बहुत सारा वर्क करे, सडनली जो है ना पूरा लाइट चले गया, सिस्टम बंद हो गया, तो अपन जितना भी काम करते हो बेकार हो आता, वेस्ट हो आता। तो अपन क्या करना, कोई भी डॉक्यूमेंट यानी कोई भी कुछ भी वर्क करते वक्त पहले डॉक्यूमेंट सेव करना चाहिए, किसी फाइल नेम देके उसको सेव करना, ठीक है। जब टॉप सब में ऊपर देखेंगे आपको, अभी तो यहाँ पर रेड मार्क दिखा रहा है कुछ, हमारा एक एक्सपायर था ये, तो उसके नीचे आपको डॉक्यूमेंट का नेम आएगा आपको, ठीक है,
आप जिस नेम से यानी सो टाइटल बार बोलते हैं, यहाँ पर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आप टाइटल बार के नाम देख सकते हैं आप इस पे जी। तो टाइटल बार रहेगा यानी सब में ऊपर ओके, और इसके बाद जो मिनिमाइज ओके रिस्टोर बटन एक क्लोज मिनिमाइज यानी आप जो अपना डेस्कटॉप पे मिनिमाइज कर ले सकते हैं, यहाँ पर मिनिमाइज करके रख सकते हैं इसको, रिस्टोर यानी इसको जो छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं पाओ ठीक है। एक्स यानी क्लोज करने के लिए प्रोग्राम क्लोज कर देना, एक्स क्लोज रहा था ओके। तो नेक्स्ट सब में पहले यहाँ पे देखिए आपको होम बटन में आपको क्या क्या है, यहाँ पर होम मेनू बार ठीक है, मेनू बार में क्या क्या देखा और आपने को यहाँ पे पूरे देखिए क्लिप बोर्ड होम इनसेट पेज लेआउट रेफरेंस मेलिंग रिव्यू व्यू। इसके अंदर होम के अंदर आपको जो है ना अपन जो प्रेजेंट है जो पेज दिखा रहा है जो वाइट दिख रहा है आपके पेज बोल दे इसको ठीक है, पेज है इसके अंदर अपन फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते, जो पेज पे जो भी वर्क करते हैं हम टाइपिंग हो इन कुछ भी टाइपिंग टेक्स्ट कर रहे हैं या इनसेट कर रहे हैं कोई भी रहते उसके जो सेटिंग्स रहेंगे आपको होम के अंदर क्लिप बोर्ड कॉपी पेस्ट करता फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का कलर चेंज हाईलाइट वगैरह पैराग्राफ पैराग्राफ सेटिंग्स रहते ठीक है स्टाइल से ना वो आपके अगर पैराग्राफ रखे पैराग्राफ को स्टाइल से करना चाह रहे हैं आपको पैराग्राफ स्टाइल ठीक है। नेक्स्ट स्टाइल सेम रहेगा आपको फाइंड रिप्लेस सेलेक्टर आपको लास्ट वर्ड पैर ने बताया था फाइंड क्या है रिप्लेस क्या है सेलेक्ट क्या है ओके ये चीज़ें रहेंगे आपको होम के अंदर। नेक्स्ट इंसर्ट इंसर्ट यानी क्या इंसर्ट करना चाहिए रखना चाहिए पेज पे, तो फर्स्ट क्या है कवर पेज है आप कभी देखे होंगे कवर पेजेस तो या टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या रहेगा आप एक अच्छा ज़बरदस्त डिजाइन रहेगा अगर एक अपने को यूज़ होता जबकि कुछ असाइनमेंट्स बना रहे हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं मतलब कुछ भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको कवर पेज यहाँ पे क्रिएट कर ले सकते हैं। मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं और क्या क्या रहते हैं आप यहाँ पे इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट शेप स्मार्ट आर्ट चार्ट स्क्रीन शॉट ओके ये दीगर चीज़ें आप पेज नंबर्स ये दीगर चीज़ें आपको इंसर्ट के अंदर आएंगे आपको। पेज लेआउट पेज लेआउट के अंदर क्या रहेंगे आपको थीम से आपके पेज जो थीम रहेगा ओके मार्जिन से पेज कैसा रहना चाहिए पोर्टेबल या ओरिएंटेशन ये चीज़ें मिलेंगे आपको ठीक है। और पेज बैकग्राउंड यानी पेज कलर अभी यहाँ पर वाइट दिख रहा है आपको तो दूसरा कलर देने के लिए ओके ये पैराग्राफ सेटिंग्स अभी के अंदर तो आ जाएंगे आपको पैराग्राफ सेटिंग्स हटाना या कुछ भी करना तो ठीक है ये चीज़ें। रेफरेंस के अंदर देखिए आपको इतने खास तो नहीं रहेंगे इसके अंदर लेकिन ये ज़्यादा तो इंटरनेट जब इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी तो अपने को शायद उसमें इस्तेमाल ना लेकिन अपने लिए तो ये ज़्यादा यूज में नहीं आएंगे ठीक है रेफरेंस के। नेक्स्ट हमारे पास है मेलिंग मेलिंग एड्रेस यानी अपने कुछ स्टार्ट मेलिंग यानी कोई भी एक क्या बोल सकते हैं लेटर कार्ड पे या कोई भी एनवलॉप बनाना है तो अपन मेलिंग से क्रिएट कर सकते हैं। प्रीव्यू यानी इसके अंदर क्या रहेंगे आपको स्पेलिंग करेक्शंस करने के रिसर्च करने के इसके वर्ड मीनिंग्स देखने के ठीक है कॉमेंट्स रख लेने के कुछ भी अंडरलाइन करके इसके अंदर कॉमेंट इंसर्ट करने के लिए ये चीज़ आपको रिव्यू वगैरह में देखने को मिलता है आपको। व्यू यानी अब आप जब पेज पर जब वर्क करें तो आपको कैसा दिख रहा है आपको व्यू ड्राफ्ट पेज लेआउट आउटलाइन से पूरे फुल स्क्रीन पे पढ़ना है तो आपके व्यू में देखेंगे तो अपने को क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फर्स्ट अपने को होम इनसेट पेज लेआउट थोड़ा सा व्यू में ऑप्शन है रिव्यू ये तीन चीज़ अपने को सीखने के रहते हैं। तो फर्स्ट चलिए फाइल जब यहाँ पर एक फाइल ऑप्शन है देखिए जैसा वर्ड पैड में भी है एक बार फिर भी मैं बताता हूँ आपको और दूसरी चीज़ ये भी देख लीजिए यहाँ पे अपने को यहाँ पे जो स्केल जैसा दिख रहा है अपने को यहाँ पे ये है रूलर ओके रूलर है अपने को ये जो व्हाइट मार्क और यहाँ पे जो उसने ग्रे कलर में दिखा रहा अगर अपन यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो रहा इसके स्ट्राइट जो उसने अपने को टाइप हो रहा है देखिए इसके ऊपर आप लाइन दिख रहा आपको एग्जैक्टली इसके स्ट्राइट अपने को ये हो रहा नहीं अपने जो उसने यहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से तो कैसा कर सकते हैं अब आप बैक मारो ना या था क्योंकि यहाँ तक एंडिंग है तो अपन पहले क्या करना रूलर इंसर्ट कर लेना अपन रूलर अपने कहाँ से शुरू होना था यहाँ से रूलर ठीक आ गया यहाँ पर सेम है यहाँ पर भी अगर अपने को फुल पेज अगर अपने कुछ वर्क करना है तो रूलर सॉरी रूलर चेंज करना रहता है आपको ओके। और ये रहेगा आपका पेज आप जितने भी लिखते जाएंगे नीचे एंटर मारते जाओ उतने पेजेस आप जितने भी लिखना चाहते उतने पेजेस आपको अनलिमिटेड पेजेस आपको नीचे आते रहेंगे आपको ओके। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा पेज लेने के लिए पूरा वर्क करके एंटर टाइप कर लेते आप नीचे आ जाओ आपको जो ना नीचे आ जाएंगे मतलब पेपर आप जितने बनते रहे पेपर पेजेस ऑटोमेटिक वो आते रहेंगे जब नीचे देखेंगे और यहाँ पर तो टास्क पर है तो इसके ऊपर देखिए पेज ऑफ वन यानी फर्स्ट पेज में है हम यहाँ पर पेज वन यानी फर्स्ट पेज ये जो अभी हमारा प्रेजेंट जो दिख रहा आपने को ये है फर्स्ट पेज ओके। इसके बाद ऑफ के बाद जो आ रहा नंबर ऑफ पेजेस इसके नीचे अगर फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पर अभी सेकंड पेज आ गया ओके
ऐसे कट हो के सेकंड पेज आ गया, तो यहाँ पे दिखा रहा वन ऑफ टू पेज, यानी मैं अभी फर्स्ट पेज पे क्लिक करके हूँ सेकंड पेज. अगर मैं सेकंड पेज पे क्लिक करा तो टू ऑफ टू बोल के आएगा आपको, यानी जिस पेज पे आपका वर्क चलेगा वो पेज नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा. अगर फॉर एग्जाम्पल आप पेज नंबर फाइव पे कुछ टाइप करें तो पेज ऑफ फाइव ऑफ टेन, अगर टेन पेजेस तो टेन इसे दिखाएगा. नेक्स्ट है वर्ड्स, आप जितने वर्ड्स यहाँ पे टाइप करेंगे उतने वर्ड्स आपको यहाँ पे शो करेंगे. उन्हें वर्ड वन, मैं सिर्फ एक ही यहाँ पे टाइप करा तो वर्ड वन, अब मैं यहाँ पे स्पेस दे के जो उतना कुछ और टाइप करा तो वर्ड टू, टू वर्ड्स है, इस तरह आपको दिखेंगे. और इस राइट साइड में आप देखेंगे तो एड्स पे, तो सेम आप व्यू के अंदर जो ऑप्शन है अपने को प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग और जो अपना वेब लेआउट, ओके आउटलाइन, ड्राफ्ट, ये चीज़ें आपको यहाँ व्यू के अंदर भी आपको देखने को मिलती है. जूम इन जूम आउट है सेम जैसे आपको व्यू के अंदर देखने को मिलते हैं ऑप्शन, यहाँ शॉर्टकट में दे दिया उन्हें. और जूम इन जूम आउट अपने को पेज ज़्यादा मैक्सिमम 100 पे रहना, ना कम ना ज़्यादा, 100 इज मैक्सिमम मतलब लिमिटेड नॉर्मल सही समझिए, 100 से 100 रहेंगे आपका. और ये स्क्रोल अगर आपको नीचे जाना है ऊपर जाना तो आप स्क्रोल कर ले सकते हैं. ओके जी, तो फर्स्ट हम चलेंगे फाइल में, फाइल में क्या क्या ऑप्शन रहते हैं अपने को यहाँ पर. तो आप देखेंगे यहाँ पे सेव है, सेव एज, ओपन, क्लोज. ओके तो अपने को सेव क्या है, अभी बताया था आपको, जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करते तो दोस्तों आपको सेव करना रहता, आपको यानी फाइल कहीं भी आपको सेव करना रहता. शॉर्टकट शायद आप लोगों को याद रहेगा, मैक्सिमम आप लोगों को शॉर्टकट याद रहना चाहिए पूरे, ठीक है, बेसिक से पूरे शॉर्टकट. जब आप सेव करेंगे तो फाइल ऑलरेडी मैं सेव कर दिया, सेव कर देना तो सेव कर दिया एक नाम से. नेक्स्ट है अपने को ऑप्शन सेव एज, सेव एज यानी इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते, कब सेव कर सकते. हालांकि देखिए फॉर एग्जांपल मैंने इस पे कुछ असाइनमेंट कर दिया, ओके एक सेव कर दिया हमें, सेव कर देने के बाद फिर इसके अंदर क्या है थोड़े मॉडिफाइड चीज़ें करके, फॉर एग्जांपल समझिए कि एक प्लानिंग करें आप, एक घर का प्लान इस पे जो है ना कुछ ड्रॉ करे, कुछ लिखे, कुछ प्लानिंग करे, ओके प्लान वन उसको सेव कर दिए. अब इसी के अंदर और कुछ दूसरा प्लान करके फिर थोड़ा मॉडिफाई करके उसको भी क्या करें सेव करें, सेव अगर सेव अगर आप सेव करें तो जो पहले जो सेव करें उसके अंदर सेव हो जाएगा उन्हें, ठीक है, जो पुराना सेव करते वो डिलीट हो जाएगा, न्यू सेव हो जाएगा. अगर आप सेव एज करेंगे तो आपको क्या है पहले का भी रहेगा, दूसरे नाम से आपको ये भी सेव रहेगा. ऑलरेडी मैं सेव कर जाता सेव एज, फिर से नेम दे रहा देखिए, ऑलरेडी मैं D1 से सेव करा, अब D2 से डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ. ओके जी, इससे पहले D1 से करा, अब सेव एज करा D2, आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप पे D1 D2 दो फाइल्स अपने को सेव हो गए. अपन फिर यहाँ से जो है ना एडिट कर ले सकते चीज़ों को, ये है सेव और सेव एज, ठीक है. नेक्स्ट है ओपन, ओपन यानी अब मैं D1 भी सेव सॉरी D1 एक फाइल नेम देके सेव कर दिया मैं, अब उसको ओपन करना है. अब ओपन में जाके D1 जो प्रीवियस वर्क यानी इससे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट में जो क्रिएट करे थे उसको फिर इसको क्लोज करने के बजाय जाके सेट करने के बजाय यहाँ फाइल में जाके सीधा आप ओपन में चले आओ, आपको जो सुना आपको जहाँ पर भी वो फाइल है उसको ओपन कर लेके एडिट कर ले सकते. ओके वो है ओपन, क्लोज यानी क्लोज करने के लिए जो ऑप्शन आप रखें उसको क्लोज. रिसेंट यानी अभी जो रिसेंटली जो वर्क करे वो पूरे दिखाएंगे आपको, ये देखिए इतनी चीज़ें हमें रिसेंटली सेव करा, रिसेंटली यानी जो रिसेंटली हम लोग करे थे ये पूरी चीज़ आपने को रिसेंट में दिखाएंगे. न्यू यानी न्यू पेज, आप ये जो स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपने को न्यू पेज कुछ करा है तो क्लोज करना है या सेव करना, कंट्रोल कुछ है इसका सेव सॉरी कंट्रोल लेंथ से जो आपको न्यू पेज एक ओपन होगा शॉर्टकट, यानी न्यू पेज अपने को ये आता जितना भी आप वर्क करें डिलीट हो जाएगा, या तो अगर आपको ऑप्शन देंगे सेव करना है तो सेव कर दीजिए, नहीं डोंट सेव बोल के एक ऑप्शन आएगा आपको डोंट सेव पे क्लिक कर दिए तो आपको फिर से वो डिलीट होगा कि न्यू पेज आएगा आपको. उसके बाद है प्रिंट, ये प्रिंट का क्या है देखिए जब भी आप प्रिंट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट है कंट्रोल पी, पी प्रिंट आप इजी रहना तो देखिए कंट्रोल पी, ठीक है. प्रिंट जब आप क्लिक करेंगे जब आप पेज पे वर्क करें तो आपको जो है ना प्रिंट निकालना है तो आपको जो है यहाँ पे कंट्रोल पी आ रहे तो फाइल में जाके प्रिंट ऑप्शन दबाते ही आपको दीगर चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं. यहाँ पर क्या क्या दे रहा डायरेक्ट प्रिंट आप इस पर क्लिक करती यानी ये तो 2010 सीरीज है, आप उसके अंदर भी आपको थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई चीज़ें रहती देखिए यही रहता आपको थोड़ा सा उसके अंदर एक अलग शेप रहता मतलब अलग देखने को मिलता लेकिन ऑप्शंस पूरे सेम रहेंगे आपके, ठीक है. तो प्रिंट ऑप्शन जैसा प्रिंट करती है आपको जो है ना प्रिंट निकल जाता पेज, नंबर ऑफ कॉपीज मेरे को एक ही कॉपी होना है, नहीं आप दो स्टूडेंट से तो टू कॉपीज हो तो टू कॉपीज यहाँ पे टू एंटर करो आप टू कॉपीज निकल जाते प्रिंट मार दीजिए. और नीचे है प्रिंटर, प्रिंटर यानी अभी हमारे पास कोसा प्रिंटर कनेक्ट है, अभी है मेरे पास HP लेजर प्रिंट है तो मैं जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं आप जो उसने डाल दे रहे हैं जो बोले वो माइक्रोसॉफ्ट डाल दे के जो उसने प्रिंट मारते नहीं आता हो
तो यहाँ पर एक राइट मार्क दिख रहा, इसी तरह अभी हमारा डिस्कनेक्ट है प्रिंटर, तो डिस्कनेक्ट है इसके मतलब कि ऑफलाइन दिखा रहा। जब अपन यूएसबी लगाएंगे तो अपने को जैसे ऑनलाइन बोल के दिखाएंगे और ऐसा ग्रीन रेड मार्क ग्रीन एक पॉइंट दिखाएगा कि आपका कनेक्ट प्रिंट कनेक्ट है यहाँ पर, तो उस पर सेलेक्ट करके प्रिंट निकालना था अपने को। नीचे सेटिंग्स है इसके, बेसिक सेटिंग से प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट ऑल पेजेस नहीं, अब हमारे पास समझिए कि फॉर एग्जांपल 50 पेजेस हमारे पास कुछ वर्क असल में हम करे हुए हैं एमएस वर्ड पे, ओके, तो प्रिंट ऑल पेजेस 50 पेजेस निकालना, या आपको जो है ना 10 टू 20 पेजेस निकालना है या 20 से 30 पेजेस निकालना है, आप यहाँ पे एंटर करना। ऐसा करना देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे को 1 माइनस ऑप्शन है, आपको प्लस माइनस डैश 10, तो आपको 1 से लेके 10 पेजेस आपको निकलेंगे, बाकी के 20 से 11 से 50 तक ही नहीं आएंगे आपको, नहीं आपको जो है ना 15 टू 45 होना है, तो ऐसा करना 15 पेज नंबर 15 से पेज नंबर 45 निकालना, वो ऑटोमेटिक जो है ना पेज नंबर ले रहा होने, ठीक है, ऐसा रहता है आपको प्रिंट के पेजेस निकालने के। नीचे है प्रिंट वन साइड और जो है ना प्रिंट बोथ साइड, ये देखिए अगर अपने को प्रिंट एक ही साइड निकालना है, अगर आप लेटर्स निकाल रहे हैं रेज्यूम्स निकाल, तो अपने को रेज्यूम से लेटर्स से तो अपने को वन साइड निकालना रहता है, ठीक है, डबल साइड नहीं लेना है कभी भी। अगर अपने कोई असाइनमेंट हम करके यहाँ पे कुछ वर्क करें, प्रोजेक्ट वर्क कुछ करें, तो अपने को प्रिंट बोथ साइड, आप टू साइड्स ले लेके जो ना आप कर ले सकते हैं, प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, टू साइड्स के अपने इसको क्लिक करने के बाद, प्रिंट करने के बाद आपको जो ना पूरे पेज नंबर रोम ऑड नंबर से इवन नंबर से नहीं कन्वर्ट होता, ऑड नंबर से नहीं, फर्स्ट क्या करता पेज नंबर 1, पेज नंबर 3, पेज नंबर 5, 7 इस तरह लेंगे, फिर अपन पेज पलटा के रिवर्स रखेंगे तो फिर पेज नंबर 2, 4 इस तरह उन्हें ले लेंगे ऑटोमेटिक, ओके। ये चीजा है, ये पोर्टेबल ओरिएंटेशन, पोर्टेबल यानी पोर्ट्रेट यानी आपको खड़ा पेज इस तरह से, ओके, साइड जब आप ओरिएंटेशन जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या है लंबा आएगा उन्हें पेज, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। अब पेजेस के अंदर अपने को देखिए प्रिंटर प्रिंट निकालते कितने टाइप ऑफ पेजेस हमारे पास अवेलेबल रहते, एक है लेटर हेड, लेटर, लीगल, A4, एग्जीक्यूटिव, ये अपने को मैक्सिमम ए अपने पास जो है ना चलते रहते, यानी प्रिंट निकालने के लिए A4 अपने को बहुत ही यूज है, 100% इसी पेजेस में अपने को प्रिंटर्स में प्रिंट निकालते हैं अपने को। लेटर पेज यानी लेटर कैसा रहता, आपको एक कोई लेटर लेटर हेड्स देखिए, सभी ऑफिस के कंपनीज के आप देखे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, लेटर हेड्स रहते हैं आपके, कि अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे एग्जाम्पल, ऑफिस कंपनी से कुछ लेटर हेड्स रहते, ऊपर क्या रहता उन लोगों के एड्रेस, कंपनी नेम वगैरह वगैरह सारा लेटर हेड्स रहते, उसका एक अलग साइज रहता। यहाँ पे देख रहा हूँ आपको एक सैम्पल है, यहाँ पर ऊपर देखिए उनका लोगो, यहाँ पर एड्रेस, नीचे मैटर, ठीक है, नीचे थोड़ा सा डिजाइन, ये सब चीज़ें लेटर हेड रहता है अपने, ओके, कंपनी का लेटर हेड्स रहते या कोई भी सोसाइटीज के रहते या कोई भी कुछ ना स्कूल से रहते हो लेटर हेड्स रहते हो, यानी ऑफिशियल्स जो भी चीज़ें प्रोफेशनल के वर्क से रहते हैं ऑफिशियल्स के, वो लेटर हेड्स अपने को प्रिंट निकालना रहता अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अपन पास एक ऑप्शन है लीगल, लीगल पेज यानी आपका भी TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह आप देखेंगे तो थोड़ा सा लंबा पेज आता, ठीक है, येलो कलर में हो या व्हाइट पेज में आपको थोड़ा सा लंबा रहता, A4 से भी थोड़ा सा लंबा हाइट में, तो वो रहेगा लीगल पेज। नेक्स्ट A4 यानी जो आमतौर पर प्रिंट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं A4 पेज, A4 साइज का, जो अपन जब भी आप प्रिंट के लिए जाएंगे तो आपको A4 साइज देंगे उन्हें। एग्जीक्यूटिव यानी आपको एक बॉन्ड पेपर नजर आएगा, आपको जैसा बॉन्ड पेपर्स देखे होंगे वो रहेगा एग्जीक्यूटिव पेपर्स, ओके, ये अपन जो मैक्सिमम इस्तेमाल करते प्रिंट्स के लिए। आप A3 अगर आया बोलते बहुत बड़ा सा शीट मिलता आपको, ये चीज़ें समझिए, ये तो समझ में आएगा। अपन कभी भी चेक करना चाहिए कि कौन सा पेपर हम रख रहे हैं, A4 रखना चाहिए, क्योंकि क्या रहता साइजेस थोड़े से डिफरेंस होता, ज़्यादा भी नहीं रहता, थोड़ा सा साइज डिफरेंस रहता है लोगों के अंदर, जो ना अपन अभी रूलर के बारे में बात करते हैं क्या करते हैं ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता उन्हें कितना साइज अपन उसको मैनेज कर लेना, ओके। ये है बेसिक्स प्रिंटर के अंदर ऑप्शन, इंशाल्लाह फिर एक बार कभी रिपीट करेंगे एक बार, तो फिर अपन चलते हैं इसके अंदर फर्स्ट में होम। अभी यहाँ पर देखिए होम ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास है मेनू में, ओके, रिबिन्स के अंदर, तो इसके अंदर क्या क्या ग्रुप से देखिए क्लिप आर्ट, फॉन्ट, पैराग्राफ, अपने को ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी का स्टाइल से जो रहता है अपन आपकी मर्जी, आप लोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, अगर टाइम पास करना चाह रहे हैं तो सब कर ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अभी फाइन रिप्लेस पे भी अपने को करना रहता, तो क्लिप आर्ट इसके अंदर क्या क्या है देखिए अपने पास, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ओके। इसके अंदर अपन कट कैसा करते हैं, कॉपी कैसा करते हैं, पेस्ट कैसा करते हैं, ये तो सीख लिए, फिर भी एक बार देख लीजिए। अब फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 4 5 6 कुछ टाइप करा मैं, ओके, कुछ टाइप करा, अब
इशू में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कट कॉपी जो उसना डीएक्टिवेट यानी लाइट हो गई है कलर। अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक डार्क हो जा रहे हैं। देखिए कट कॉपी, अब कट यानी इसको हटा देंगे किसी पेज में डाल देना यानी तो और एक दूसरे प्लेस पे इसको इंसर्ट करना कट का काम है। अब मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ कट, फिर एंटर मारते हुए नीचे आ रहा हूँ मैं, एंटर आके पेस्ट कंट्रोल वी यहाँ पे करा, ऊपर से निकाल टॉप से निकाल के थोड़ा सा बीच में लाके यहाँ पे कट करा, पेस्ट करा। अब कॉपी किसे कहते हैं, इसी टेक्स्ट को अपन कॉपी कर रहे हैं कंट्रोल सी निकाल के मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल वी। अब अपनी मर्जी में कितने भी पेस्ट कर ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया पेस्ट कॉपी यानी वहाँ पर भी और यहाँ पर भी टू प्लेसेस में अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, जैसा इससे पहले भी समझाया था कॉपी पेस्ट कैसा रहता, कोई भी डेटा ट्रांसफर ना बोल तो कट अगर कर दिए बोल तो आप ये पेन ड्राइव में अगर आप कुछ ट्रांसफर करना चाहें सिस्टम में तो पेन ड्राइव के अंदर कट कर दीजिए सिस्टम के अंदर पेस्ट कर दिए तो जब क्या होता है सिस्टम के अंदर पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा आपके पेन ड्राइव पर पूरा डिलीट हो जाएगा। कॉपी अगर करें तो आपके पेन ड्राइव में भी सेव रहेगा और सिस्टम के अंदर भी सेव रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आज एक नई चीज़ है फॉर्मेट पेंटर। ये फॉर्मेट पेंटर है क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इसको 1 2 3 की जो मैं थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ हेडिंग दे रहा हूँ मैं इसको थोड़ा ये समझिए कि हमारा हेडलाइन हेडिंग है। ओके, इसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थोड़ा सा सजा रहा हूँ मैं इसको अंडरलाइन वगैरह और साइज बढ़ा के दे रहेंगे आप फॉर एग्जाम्पल समझिए क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे 1 2 3 या कुछ भी समझे पॉइंट वाइज समझिए इसको। ठीक है, अब मैं फिर नीचे ये सब चीज़ें मैं करा इसके अंदर क्या करा मैं इसका फॉन्ट स्टाइल रखा 36 अंडरलाइन दिया इसका बोल्ड करा और जो है ना इसका कलर चेंज करा मैं इतनी सारी चीज़ें करा इसको मतलब बेसिक इतने सेटिंग्स करा मैं। अब सेम जो है ना मैं नीचे भी एक वर्क कर रहा हूँ जी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ नीचे भी सेम कर रहा हूँ मैं समझिए कि एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझिए इसको फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन जब आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरे मतलब कोई भी हेडिंग्स रहेंगे सेम रहेंगे ना वही फॉन्ट में वही कलर में रहेंगे आपको। ठीक है, अब इसको मेरे को फिर इसको क्या करना है इसको सेलेक्ट करके फिर इसको कलर चेंज करना है इसका 36 साइज यहाँ पे चेंज करना 36 पे जा रहा हूँ फिर से इतना सारी चीज़ें कर रहा हूँ फिर इसको बोल्ड पॉइंट दे रहा हूँ अब दोनों का फॉन्ट फिर जो उतना बड़ा होगा फिर इसको सेलेक्ट कर लेना। तो ये सब चीज़ें झंझट की बजाय अपन को एक ऑप्शन दिया है फॉर्मेट पेंटर वो क्या है। अब जैसा 1 2 3 यहाँ पर एक ही साइज में है देखिए फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस है ना उसमें और इसके अंदर जी। तो अब इसके ऊपर क्या है थोड़ा बोल्ड है अंडरलाइन है मार्क्सेस हो गए तब मेरे को एज इट इज ये जैसा जो फॉन्ट में है जो हमें इसके ऊपर ये करे सेटिंग्स करे कोई चीज अपने को नीचे भी लाना है सेम एग्जैक्टली। तो अपने को इस पर कुछ भी करना नहीं है फर्स्ट क्या करना इसको थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, या पूरा सेलेक्ट करके एक वर्टेक्स करके आपकी मर्जी सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करना। ओके, क्लिक करके सीधा आप इधर आ जाना तो अपने को एक ब्रश टाइप का एक ऑप्शन आ रहा है अपने को यहाँ पे एक छोटा सा इसको अपन सेलेक्ट कर लेना आ गया सेम एज इट इज दो भी आ गए। देखिए फिर अपने को जो उतना कुछ टाइप करके फिर उसके अंदर जो उतना इसको सेलेक्ट कर लेके बोर्ड लेना रहता अंडरलाइन करना रहता अभी ये सब चीज़ें अपने को करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मेट पेंटर। ओके, ये रहेगा फॉर्मेट पेंटर। अब इसको क्लियर कैसा करते फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे करे लेकिन आपको दरमियान में ऐसा करना है वो कैसा करते देखिए यहाँ पर एक क्लियर फॉर्मेट भी ऑप्शन है हमारे पास। ओके, अपने को नाम तो नहीं दिया उन्हें यहाँ पर एक एराइजर तौर पे दे रहा क्लियर फॉर्मेट करते वो ओल्ड मॉडल में चले जाएंगे वो पहले जैसा था वैसे। ठीक है, आप कुछ लोग देखते हैं भाई आप पूरा सेलेक्ट करा लेकिन मेरे को सिर्फ इतना ही करना है तो आप क्या करना आपको जो पहले चेंज करना रहता उसको आप क्या करना सेलेक्ट करके सीधा क्लियर फॉर्मेट मार दो जो अपन उस पर जो फॉर्मेट अप्लाई कर रहे थे वो चले जाएंगे उन्हें जो ओल्ड मॉडल में रहेगा वो आएगा आपको ये एक क्लियर फॉर्मेट। ओके, अभी मैं कुछ टेक्स्ट है पे कॉपी कर लेता हूँ मैं इंटरनेट से विकिपीडिया आप विकिपीडिया तो बोले थे सुगुर सर आपकी विकिपीडिया में क्या है जो भी इंफॉर्मेशन आपको रहेगा इसके अंदर किसी का भी इंफॉर्मेशन निकालना है कोई भी किसी का हिस्ट्री किसी चीज़ की तो आप विकिपीडिया कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देंगे उन्हें आपको बहुत सारा। ठीक है, तो मैंने सब चीज़ें आप जो ना कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ पर कॉपी कंट्रोल सेलेक्ट कर ले कॉपी करो यहाँ पर पेस्ट कर दो तो आपको जो ना पेस्ट हो जाएगा। ओके जी, तो फॉर्मेट पेंटर का बताया था मुझे उसके बाद क्या है अपने को फॉन्ट यानी अब जो टेक्स्ट हम करें सब चीज़ें फॉन्ट से। ठीक, अब इसके सेटिंग्स अपने को दिखा रहा है यहाँ पे क्या क्या दिखा रहा है एक आपको स्टाइल है
फ़ॉन्ट स्टाइल, आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, यहाँ पे एरोमा दिखा रहा, आपको नीचे ड्रॉप डाउन करो, आपको जो होना है आप जो ना इसको इस्तेमाल कर ले सकते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद आ रहा है, ठीक है, इसको जो समझ में आ रहा। अपन मैगजिम क्या है, टाइम्स ऑफ रोमन, एरियल, इसी चीज़ अपन मतलब लेटर हेड लेटर्स टाइप करने के लिए, कोई रेज्यूम्स बनाने के लिए, कोई असाइनमेंट करने के लिए, तो अपन ये चीज़ अपन इस्तेमाल करते हैं। कैलिब्री है बॉडी, ठीक है, ये चीज़ अपन बहुत रेगुलर इस्तेमाल करते, रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये चीज़ आपको फ़ॉन्ट स्टाइल में मिलेंगे। आपको चेंज करना तो आप कुछ भी नहीं है, फर्स्ट सेलेक्ट कर लेना आपको कौन सा चेंज करना है, सेलेक्ट कर लेके आप जो है ना चेंज कर ले सकते हैं। ओके, इस तरह से अगर आप फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आप चेंज कर दिए, मतलब कुछ वर्क नहीं करे स्टार्टिंग में चेंज करिए, तो जब आप स्टार्ट करने के पहले आप जब वहाँ से जो है ना आपको फिर वो फ़ॉन्ट स्टाइल अपने को लिखने को मिलता है, कुछ टाइप करें आपको जो है ना, तो अपने को वही फ़ॉन्ट स्टाइल कंटिन्यू रहेगा। हमें अगर अपने चेंज करना तो फिर यहाँ से चले जाओ, फिर आपको चेंज हो जाएगा, दूसरे आ जाएंगे आपको, ये चीज़ें रहेंगे फ़ॉन्ट में। उसके बाद आपको जो है ना बॉक्स में आपका फ़ॉन्ट साइज है, ठीक है, इसको एक शॉर्टकट भी दिया, देखिए कंट्रोल शिफ्ट पी फ़ॉन्ट स्टाइल, ओके, ये फ़ॉन्ट स्टाइल अपने को यहाँ पर 72 दे रहा मैक्सिमम, लेकिन आप जो है ना यहाँ पर एंड टाइप कर सकते, आप यहाँ पर ऊपर बॉक्स के अंदर सेलेक्ट कर लेके क्लिक करके आपको जो जो फ़ॉन्ट स्टाइल मैक्सिमम 500 कुछ है इसका फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है, आप क्या करना जो फ़ॉन्ट अगर फॉर एग्जांपल समझे कि हेडिंग है उसको सेलेक्ट कर लेके आपको जो फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब जितना करना है आप कर ले सकते हैं, अप टू 500 भी अपने को कर ले सकते हैं, यहाँ पर तो 72 दे रहा कर ले सकते हैं। और साइड में आपको जो है ना ये एक स्मॉल का एक ऑप्शन दे रहा, वो भी जो है ना एक श्रिंक फ़ॉन्ट है, उसको क्या कर सकता है फॉर एग्जांपल एक अंदाजे तौर पे जो है ना भी फ़ॉन्ट स्टाइल करने का रहता, हाई करने का रहता फ़ॉन्ट स्टाइल, देखिए सेम स्लो कम करने का, ये करने का हमारे पास होता है कभी कभार एक लिमिटेड, यानी इतना ही फ़ॉन्ट स्टाइल रहना बोल के अपने के थोड़े कभी कंडीशंस देते हैं आपको कभी एक किसी चीज़ में आपको, तो उस वक्त क्या करना आप यहाँ पर 0.5 के हिसाब से भी आप जो है ना यहाँ पर मेरे को 11.5 यानी तो 13.5 फ़ॉन्ट स्टाइल होना है, क्लिक करके एंटर कर दीजिए, 13.5 का फ़ॉन्ट स्टाइल अपने को यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये रहेगा अपने पास फ़ॉन्ट स्टाइल के। नेक्स्ट एक उसके साइड में आपको जो है ना एक ऑप्शन दे रहा चेंज केस, चेंज केस यानी अपने केस जो रहते हैं यानी जो टेक्स्ट हम करें वो कौन से केस में है, फॉर एग्जांपल आप तो सुने होंगे अपर केस, लोअर केस, ठीक है, कैपिटलाइजेशन, ईच अदर, सेंटेंस केस, वो देखिए अब क्या रहता अपने को जब कोई भी पैराग्राफ शुरू करते अपने क्या रहना फर्स्ट कैपिटल, उसके बाद पूरे स्मॉल लेटर्स ना, ये तो कॉमन सब लोग जानते, ओके, अगर अपने को फॉर एग्जाम्पल कभी हेडिंग्स लिख रहे हैं, हेडिंग्स करेंगे पूरे मैक्सिमम कैपिटल में रहेगा, यानी तो जो है ना ईच वर्ड के भी स्टार्टिंग में क्या रहेगा सेंटेंस ईच वर्ड में कैपिटल रहेंगे, बाकी के पूरे स्मॉल रहेंगे, तो वही ऑप्शन है जब कोई भी वर्क करे, चलो आपको जो है ना इतना सारा वर्क करा आपने गलती से मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, इसमें क्या इसमें जो है ना वो से भी कैपिटल भी आ सकता, ये देखिए वेस्टर्न है ये कैपिटल में आ गया, इस तरह से आपको जो है ना आर रिवर कुछ चीज़ें कैपिटल में लिखना रहता, नेम्स वगैरह नाउंस जो आते हो आपको कैपिटल में रखना रहता हो, ठीक है, नोट्स वगैरह, तो कुछ चीज़ें क्या है गलती से स्मॉल में चले जाते कुछ कैपिटल्स में चले जाते, तो जब आप कोई भी वर्क करने के बाद आप क्या करना स्लोली जो उसने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना, हाँ इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं है, तो क्या करना है यहाँ से अपन फिर भी भाई आप कुछ भी नहीं करें फिर भी क्या है सेंटेंस केस कर लेना, यानी जो भी अगर गलती से अपन कुछ कैपिटल कर दिए बीच में तो भी क्या होता ऑटोमेटिक चेंज होकर वो इसमें स्मॉल लेटर्स में चले जाएंगे, नहीं आपको पूरा कैपिटल होना तो आप क्या करना सेलेक्ट कर लेंगे फिर यहाँ पे केस सेंटर पे जाके ड्रॉप डाउन करो अपर केस आ गया पूरे कैपिटल में चेंज हो गए, ओके सेकंड फिर सेलेक्ट कर लिया आपको स्मॉल लेटर्स होना तो यहाँ पे लोअर केस पूरे स्मॉल लेटर्स आपको देखने को मिल गए। और एक ऑप्शन भी यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी ईच वर्ड का एक वर्ड कैपिटल रहेगा आपका, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए द टी कैपिटल है टाइगर टी कैपिटल है, ठीक है पैंथरा यहाँ पे पी ए है टाइग्रीस है पी कैपिटल, ईस्ट के पास आई कैपिटल है, ठीक है लार्जेस्ट सेल कैपिटल एक्स्ट्रा यानी जो वर्ड्स है हमारे पास उसका जो ये वर्ड रहेगा वो कैपिटल हो जाएगा आपका जो भी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर रहेगा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है मैक्सिमम नेम्स में फॉर एग्जाम्पल देखिए अब्दुल अजीज है तो ये कैपिटल रखे BDL स्मॉल में रख सकते हैं, फिर अजीज जो है फिर एक कैपिटल उसके बाद बाकी यानी अब एक अब्दुल एक वर्ड है अजीज एक वर्ड है तो आप जो है ना अब्दुल के जो कैप फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड से ए में आ जा रहा तो नेम्स अगर है तो आप क्या कैपिटलाइज ईच अदर कर सकते हैं, नेम्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखिए कुछ नेम्स टाइप कर रहे हैं यहाँ पर भी एक्सेल में कुछ शीट बना रहे हैं कोई नेम्स प्रोफाइल्स बना रहे हैं तो उसके अंदर नेम्स भी आप टाइप करना रहता
तो नेम से उसने आप क्या प्लेस नहीं सदर कर ले सकते। डोंगल कैसे एक डोंगल कैसे अपन तो इस्तेमाल नहीं करते, ये क्या है फर्स्ट लेटर स्मॉल करके बाकी के पूरे कैप सेट में चेंज करता है। जैसे अपन अपर केस सॉरी सेंटेंस केस जैसा करते हैं, फर्स्ट लेटर का सेंटेंस का जो ये रहेगा फर्स्ट कैप लेगा बाकी के पूरे वर्ड स्मॉल में आ जाएंगे। ये डोंगल का रिवर्स है, फर्स्ट स्मॉल रहेगा बाकी के पूरे आप जो उसना कैपिटल में आ जाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिकल भी कर लीजिए समझ में आ जाएगा आपको लोअर क्या रहता कैसे चेंज करना रहता ठीक। उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग, अभी बताया था फॉर्मेट पेंट करने के बाद आप क्लियर फॉर्मेट कैसा करना रहता ओके। और नेक्स्ट हमारे पास नीचे आएंगे तो सेम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते नीचे बॉक्स में बी एन ए बोल्ड आई इटैलिक यू अंडरलाइन ठीक है। इंशाल्लाह पीडीएफ तो आपको जो उसमें ग्रुप में डाल देंगे, अगर आप कोई भी अगर आपको आइडिया के लिए इंशाल्लाह उसमें आप देख ले सकते जी। तो बोल्ड इटैलिक यानी कोई भी वर्ड्स कोई भी वर्ड को जो उसने आप कैपिटल करने के लिए सॉरी बोल्ड करने के लिए यूज कर ले सकते हैं आप। मैं एबीसीडी कुछ करा तो आप बोल्ड बोल्ड यानी थोड़ा सा बोल्ड कोई भी हेडिंग्स लिख रहे हैं क्या क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो आप जो है ना क्वेश्चन क्वेश्चंस को जो है ना आप बोल्ड में रख लेके कर ले सकते ठीक है। इटैलिक यानी थोड़ा सा राइट साइड में झुकता हूँ थोड़ा सा मैं भी बताऊंगा जी। ये हो गया बोल्ड हो गया इटैलिक अंडरलाइन भी आ गया आपको साथ में ठीक है। ये तीन चीज़ आप बी आई यू अब आप जो भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक जो है उसमें लेंगे उन्हें। जब अगर आपको बंद करना है आपको नहीं आना इस तरह से बोलते तो फिर क्या करना आप यू पे क्लिक करो अंडरलाइन चलेगा आपको ठीक है। अंडरलाइन नहीं आ रहा ओके वर्ड पेज के बाहर हो गए रूलर एडजस्टमेंट कर लेना अपन पेज के अगर बाहर चले गए तो ओके। ये अगर अपने इटैलिक में नहीं होना तो इटैलिक बंद कर देना स्ट्राइट आ जाएंगे वर्ड्स पूरे ठीक है। अगर बोल्ड नहीं होता बोल्ड को बंद कर देना तो फिर स्मॉल में आ जाएंगे ठीक है। ये चीज आपने को ये थोड़ा सा स्मॉल समझ में आ गया आपको बी आई यू अंडरलाइन का। नेक्स्ट अपने को एक क्रॉस ऑप्शन है ठीक है। कोई भी वर्ड आपने क्रॉस करना है तो आप यहाँ पर ए बी सी पे जो क्रॉस ऑप्शन दे रहा आपने को ये इस्तेमाल कर सकते क्रॉस कट करने के लिए ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्स टू और एक्स स्क्वायर का एक ऑप्शन दे रहा आपने को। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारी किताबों में देख सकते हैं कुरान में कहीं भी आप देखें तो क्या रहता वर्ड के एंडिंग में फॉर एग्जाम्पल अब एक वर्ड है ये समझिए कि पैराग्राफ से कुछ भी पैराग्राफ से ठीक। अब वहाँ पर जो सुना पूल एस में सब ब्रॉकेट में वन ऐसा देखने को मिलता आपको स्मॉल में आप फॉर एग्जाम्पल ब्रॉकेट में वन है या कुछ टू दिख रहा आपको इस तरह से जी। तो इस तरह आपको दिख रहा है पे कैसा अपन वर्ड को स्मॉल में ले सकते हैं एप्पल वर्ड वन पेन सॉरी पूरे इसमें आ जाएंगे फिर इसको क्लोज कर देना आप ब्रॉकेट में। अगर समझे कि फॉर एग्जांपल मैं तो एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको जब आपके वर्ड्स कुछ भी आपको छोटे लाना तो इस तरह से ठीक है वन टू इस तरह से पैराग्राफ एंडिंग्स पे यानी तो जो है ना या मैथमेटिक्स से कुछ कर रहे हैं कुछ फॉर्मूलाज दे रहे हैं उसके एंडिंग्स में कुछ लाना है या उसकी मीनिंग्स कुछ रखना तो आप कैसा भी आप इसको इस्तेमाल कर ले सकते हैं। एक्स टू अगर आप ऊपर लाना तो क्या करते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे इसको सिलेक्ट कर लेके जो उसने आप सेम इसको क्लोज कर देके इसको क्लिक करना साइड में एक्स टू दिखा रहा एक्स स्क्वायर दिखा रहा देखें यहाँ पर तो ऑप्शन है ऊपर और नीचे अपने यहाँ पर चेंजेस कर ले सकते ये चीज़ आए। नेक्स्ट तक इसके अंदर 2010 के अंदर एक ऑप्शन दिया टेक्स्ट इफेक्ट बोल के टेक्स्ट इफेक्ट क्या है अगर आपको कोई भी स्टाइल से आपको कुछ टेक्स्ट करना है तो आप जो इस पर क्लिक करो आपको वो स्टाइल में आपको टेक्स्ट लिखने को मिलता है आपको ठीक है। इस तरह से मैक्सिमम तो अपन किसी पे वर्क नहीं करते अगर कोई भी अच्छा सा मतलब डेकोरेशन और अच्छा रहना कोई भी खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं कोई भी वर्क असाइनमेंट्स वगैरह तो आप ये टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो लेटर्स में रिज्यूम्स में वगैरह उसमें अपन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सब चीज़ा ठीक सिंपल रहना सब चीज़ा। नेक्स्ट जो उसना हाईलाइटर कोई भी चीज़ अपन हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर आप देख सकते हैं कभी भी बुक्स में जो उसने एक येलो कलर मार्क से हाईलाइट करते हैं अगर उसको समझ एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है तो अपन क्या करना उसको सेलेक्ट कर लेके हाईलाइटर पे जाके सेलेक्ट कर क्लिक करना है फिर तो उन्हें हाईलाइट हो गया येलो कलर में इस तरह से ओके। रेड कलर तो रेड कलर ब्लू कलर तो ब्लू कलर आपकी मर्जी ये है हाईलाइट कलर हाईलाइटर
नेक्स्ट कलर्स का फॉन्ट कलर. अभी जो फॉन्ट हम करें इसे कलर चेंज, अभी हमारे पास जो टेक्स्ट है ब्लैक है नॉर्मल, तो अपन अगर फॉर एग्जांपल इसको एक जो उसने चेंज करना है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर पे जाके आप उसको कोर्स में भी कलर दे सकते हैं आप, रेड वाइट ग्रीन आप उसको सेलेक्ट कर लेके देख कर ले सकते हो. ओके ब्लैक है ब्लू नहीं मेरे को पूरा कंटिन्यूस आना है बोलता पूरा सेलेक्ट कर लेंगे आप वो कलर मार दो, नहीं मेरे को जो उतना टाइप करते हुए आना बोलता पहले से क्या करना स्टार्टिंग पे आप एक कलर सेलेक्ट कर लीजिए स्टार्टिंग पे. मैं ग्रीन को लाइट ग्रीन करा, आप यहाँ से जो भी लाइट करेंगे पूरा लाइट ग्रीन कलर में आपको टाइप होगा हमें. ओके ये चीज़ा फोन कलर में आपको देखने को मिलेंगी सब चीज़ा. ओके ये देखिए फर्स्ट फोन में क्या क्या है, आप क्लिपबोर्ड में देखिए आप कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है फॉर्मेट प्रिंटर यानी आप जो भी हेडिंग करते हैं अपन तो सेम उसी तरह अपन दूसरे हेडिंग को भी क्या अप्लाई करने के लिए वही थिंग्स वही चीज़ें तो अपन फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके अगर उसको क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेट है तो कंट्रोल जेड अंडू रीडू ये दो ऑप्शन. ओके अब फॉन्ट में जब आएंगे तो ये तीन चीज़ें हैं इसके अंदर कट पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट प्रिंटर क्लिप बोर्ड के अंदर अपन देखेंगे रूप में तो फॉन्ट है. फॉन्ट के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिलते फॉन्ट स्टाइल का फॉन्ट स्टाइल है फॉन्ट का सॉरी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइंस का और एक्स्ट्रा स्कोर का जो है नीचे से नेम्स नीचे और ऊपर लिखने के लिए, ठीक है हाईलाइटर एक है फॉन्ट कलर कैसा चेंज करते वो एक है, ठीक है अपर केस लोअर केस है यानी फॉन्ट का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करने के है, ठीक है फॉन्ट राइटिंग स्टाइल है जो अपने को होना यहाँ पे बहुत सारे है आप इसमें से जो आपको मर्जी आया वो सेलेक्ट कर लेके अप्लाई कर ले सकते हैं. ओके ये क्लियर फॉर्मेट है फॉर्मेट प्रिंटर जब करें तो सेलेक्ट कर लेके क्लियर फॉर्मेट करना है आपको जितना करना है कर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है पैराग्राफ. ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग से समझिए अभी बताता हूँ मैं आपको. जी तो मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिया मैं यहाँ पर अभी तो समझिए कि एक पैराग्राफ है मेरे पास. ओके तो करना क्या है जब आप पैराग्राफ करें कभी देखिए यहाँ पर स्पेस छूट जा रहा है यहाँ पर स्पेस छूट जा रहा है यहाँ पर स्पेस छूट जा रहा है क्या करना रहता है जब कोई भी आप वर्क करते वक्त क्या करना फर्स्ट अपन रूलर चेक करना यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड तक है यहाँ पर जो उसने इतना स्पेस अपने को बच जा रहा